और जब ये मेरिट उस लड़के को दी जा रही थी, सेम टाइम पे उस लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं ऐसा सोचता हूं कि इसका रीजन तो बेसिकली यही है कि जो वुमन्स हैं, जो उनके अधिकारों को जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेसिकली हम मेल कैंडिडेट जो उनके अधिकारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उन्हीं से अपना अधिकार मांगती हैं। हम ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप हमसे अधिकार मांगोगे तो मिलने से रहा नहीं। दूल्हा पसंद नहीं आया और लड़की ने बारात को वापस कर दिया। पेपर में दूसरे दिन क्या छपा कि ये है हमारे देश का असली वुमन एम्पावरमेंट। आज स्वागत है आप सभी लोगों का। थंबनेल देख के आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, क्या हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पे पूरा इतिहास होल डिस्कस किया जा सकता है, बट उतना डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं। छोटी सी वीडियो मैं कोशिश करूंगा, जितना छोटी वीडियो हो सकता है उतना छोटी वीडियो बने, और जो चीज मैं आपके पास डिलीवर करना चाहता हूँ वो चीज मैं आपको एग्जैक्टली डिलीवर कर पाऊँ। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें वुमन रिजर्वेशन को लेके, जिस पे मैंने वीडियो बनाया। आप लोगों को काफी सारे कमेंट्स आए, उस कमेंट में काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि इस पे मेरा क्या ओपिनियन है। तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंडिविजुअल मैसेज में ओपिनियन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी भी कोई चीज, मैं ऐसा सोचता हूं कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि कोई चीज एकदम से गलत है, कोई चीज एकदम से सही है। यहाँ पे पार्शियलिटी, मतलब कह सकते हो कि कोई चीज पार्शियली ज्यादा, कोई चीज ज्यादा सही है, कोई चीज कम सही है, तो हमें वो चीज चूज करनी होती है जो ज्यादा सही है। और आपको क्यों ये सारी चीजें जानना चाहिए, देखिए कुछ टाइम बाद जिस जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से काफी सारे लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर्स बनेंगे। तो एटलीस्ट जब हम ऑफिसर्स बने और सिस्टम का पार्ट बने, जब हम सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो जो हमारा डिसीजन होता है केवल हमारे तक नहीं होता है, वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इफेक्ट करता है। और हमारा डिसीजन आता कैसे है वो हमारे सोच पे काफी हद तक डिपेंड करता है। आप कहोगे कि रूल्स, लॉ और रेगुलेशन भी तो हैं, बिल्कुल हैं, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम दो चीजों में से चूज कर सकते हैं कि हमें ये करना है या ये करना है, वो डिपेंड करता है हमारी सोच पे कि हम क्या करना चाहते हैं, और उससे हमारी सोसाइटी इफेक्ट होती है। तो मैं ऐसा समझता हूं हम सभी के अंदर एक जो सामाजिक चेतना है वो होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर सामाजिक चेतना नहीं है, बिल्कुल है, बट आप लोगों ने मुझसे पूछा मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के अपना ओपिनियन भी बता देता हूं। और आज संडे है, संडे को अक्सर मैं संडे टॉक डिस्कस करता था, पिछले 2-3 वीक से ये भी डिस्कस नहीं कर पा रहा था। आज संडे है और संडे में संडे टॉक भी होगा। संडे टॉक में हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वुमन रिजर्वेशन को, और एक हम यहाँ पे कमेंट ऑफ द वीक भी डिस्कस करेंगे। ये कमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उम्मीद ये भी करता हूं कि निकुल को इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हालांकि उन्होंने पब्लिकली ये कमेंट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं है कि केवल ये निकुल का ओपिनियन है। हम में से बहुत सारे लोग जो इसके अगेंस्ट में होते हैं इस टाइप के ओपिनियन देते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई चीज प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि जनरली होता क्या है, मैं हूं आप हूं, कई बार ये ह्यूमन नेचर है, हम क्या करते हैं कि हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस को हम जनरलाइज करके सोचने लगते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जनरलाइज नहीं करेंगे, जो जनरलाइज थियरी है उसी को उसी टर्म्स में न्यूट्रल होके देखेंगे। अगर आपके पास पहले से इसके लिए कोई ओपिनियन है तो आप कोशिश करना कि उस ओपिनियन को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, क्योंकि उस ओपिनियन को आप साइड में रखोगे तभी दूसरा ओपिनियन उसमें इंटर कर पाएगा। अदरवाइज आपका स्ट्रांग बिलीव है तो फिर दूसरी चीजें इंटर नहीं कर पाएंगी। और हमेशा इस तरीके का स्कोप तो रखना ही चाहिए कि कोई चीजें अगर नहीं है तो हमारे अंदर आनी चाहिए। मैं हूं आप हूं कोई भी हो, हर हर किसी को एक स्कोप रखना चाहिए। किसी चीज पे एकदम रिजिड हो जाना कि नहीं यही सही है यही गलत है, वो चीज गलत है। और बिल्कुल भी स्टार्टिंग मैंने कहा कि कोई चीज एकदम से वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कोई चीज प्योरली एकदम ऐसा नहीं कि गलत है, कोई चीज प्योरली एकदम सही है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक परिवार होता है जिसमें दो जुड़वे बच्चे होते हैं, उनमें एक लड़का है और एक लड़की है। परिवार मिडिल क्लास मान लीजिए, इनकम ठीक ठाक है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को टॉय चाहिए, कपड़े चाहिए, सारी चीजें मिल रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ना जाना स्टार्ट होता है बच्चों का। दोनों बच्चों का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कराया जाता है, एक ही कॉन्वेंट स्कूल होता है, एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसे बैग लेके जाते हैं, खाना भी एक जैसे ही खाते हैं,
पानी की जो बोतल है वो भी एक जैसे है। बच्चे धीरे धीरे और बड़े होते हैं, अपर क्लास में जाते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंथ कर लिया बच्चों ने, ट्वेल्थ कर लिया, रिजल्ट भी अराउंड अराउंड दोनों का एक जैसा ही है, पढ़ने में भी दोनों एक जैसे ही है, मतलब अच्छे, मान लीजिए दोनों पढ़ने में अच्छे हैं बट रिजल्ट अराउंड अराउंड दोनों का एक जैसा ही है। अचानक से क्या होता है, परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को हायर एजुकेशन में भेजा जा सकता है, दोनों को पढ़ाने की नौबत, मतलब ऐसा रहता है दोनों के पढ़ाने के हालत में वो नहीं है परिवार, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, पढ़ा सकते हैं बट किसी तरीके से जर मर के किसी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे सवाल ये है कि उन दोनों में से कौन सा बच्चा पढ़ने जाएगा, मतलब हायर एजुकेशन के लिए कौन सा बच्चा जाएगा, ये आप सोचते रहिए, इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, इस पॉइंट को हम लास्ट में जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वुमन रिजर्वेशन की। अक्सर जो टॉपिक आता है, वुमन रिजर्वेशन ले लो या फिर आप कोई सा भी रिजर्वेशन ले लो, दूसरे रिजर्वेशन पे मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है कास्ट बेसिस रिजर्वेशन पे, बट यहां पे हम वुमन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आप वुमन रिजर्वेशन को ही लेके चलिए। अब बात है कि मेरिट पे सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अगर आप चाहते हो आपके समाज का, देश का, सोसाइटी का डेवलपमेंट है तो जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे लोग समाज में आएंगे, अच्छे लोग सिस्टम में आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, योग्य लोग आएंगे, योग्य काम करेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई भी डाउट है नहीं। पर जो आपका देश है या समाज है या जो सिस्टम है केवल डेवलपमेंट से नहीं चलता है, वहां पे एक थियरी होती है बैलेंसिंग की, जिसे अफर्मेटिव एक्शन भी आप कह सकते हो, और दुनिया भर में हर जगह ये एक्शन चलता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो सोसाइटी, जो समाज, जो देश है उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो अगर वहां पे किसी भी सोसाइटी या सेक्शन को ऐसा लगता है कि उसको दबाया जा रहा है, सिस्टमेटिक सिस्टम की तरफ से ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहां पे असंतोष आएगा। जब किसी समाज की किसी सेक्शन में असंतोष आता है तो वहां पे बगावत स्टार्ट होती है, जब बगावत होगी तो वहां पे इनटॉलरेंस होगा, मतलब टर्बुलेंस क्रिएट होगा, और समाज में कितना भी डेवलपमेंट हुआ हो फिर उसको आगे कोई लेके जा नहीं सकता है। अब आप कहोगे भैया ये मेरिट की बात हो रही थी, टॉलरेंस कहां से और डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ गया? अब हम बात करते हैं हमारे उस कहानी का जो हमने इससे पहले थोड़ा पहले छोड़ा था। तो जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे वो बच्चा चला गया इंजीनियरिंग करने, हम लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो इंजीनियरिंग ही ले लेते हैं, वो बच्चा इंजीनियरिंग करने चला गया। अब जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको भी बताना है, बट मेरा ऐसा ओपिनियन है, मैं ऐसा कहता हूं कि अगर दोनों में से किसी एक को पढ़ाना है, किसी एक को कंप्रोमाइज करना है, तो जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, जो जनरली होता है, वो ऐसा ही होगा कि लड़के को भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, लड़की से कहा जाएगा कि बेटा आप घर पे रहो, आपके भाई के पढ़ाने के लिए ही हमारे पास पैसे हैं, आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, मतलब दोनों लोगों को हम नहीं पढ़ा सकते। भले परिवार ये दुख में ही कहे, भले उनको थोड़ा रिग्रेट हो रहा हो लड़की के लिए, बट जनरली होगा यही कि लड़के को भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, लड़की को घर पे रखा जाएगा। मे बी आप कोई एक्सेप्शनल केस लेके आ जाओ, कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, बट अगर आप जनरल टर्म में देखोगे तो ऐसा ही होता है। तो अब वो जो लड़का है वो इंजीनियरिंग कर लिया, लड़की घर पे थी, उसको भी पढ़ने का शौक था, उसके अंदर भी पैशन था, चूंकि वो कॉलेज नहीं जा सकती थी, पैसा इतना नहीं था, तो उसने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ने में अच्छी थी। अब एक गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, वो लड़का कहता है कि नहीं, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होता होगा, मतलब ये ऐसी वैकेंसी आती है जहां पे दोनों एलिजिबल है, मतलब आप ये मान लो कि ग्रेजुएशन बेसिस पे वैकेंसी आती है, लड़का कहता है कि नहीं यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, सरकार या सिस्टम ये कह रहा है कि नहीं यहां पे मेरिट बेसिस पे नहीं, वुमन्स का रिजर्वेशन देना चाहिए। लड़का कहता है नहीं, सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए? मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, तभी देश और समाज का विकास हो सकता है। अब यहां पे हमको एक चीज समझना है कि जो लड़का मेरिट की बात कर रहा है, क्या ये मेरिट जो उसके पास है, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, पढ़ने में अच्छा है, नॉलेज ज्यादा है लड़की के कंपेरिजन में, क्या उसकी ये मेरिट उसकी कमाई हुई है या केवल उसकी कमाई हुई है, इसमें किसी का और कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या जब ये मेरिट उस लड़के को दी जा रही थी उस समय उस लड़की के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? क्या ये मेरिट वो लड़की नहीं हासिल कर सकती थी? तो हमको ये भी समझना होता है कि
कि जो हम ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी मेरिट है और सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, उस मेरिट को कमाने में इस सोसाइटी का, हमारे परिवार वालों का, और एक जो वर्चस्व है कि आदमियों द्वारा बनाया गया सिस्टम है, आदमियों के लिए है, अभी इस पे ढेर सारी डिबेट हो सकती है, बट उम्मीद करता हूं भावनाओं को समझ रहे होंगे, तो इस मेरिट में उसका भी योगदान होता है। और जब ये मेरिट उस लड़के को दी जा रही थी, सेम टाइम पे उस लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और ये सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, और ये सदियों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में बैलेंस आए, तो ये बैलेंस ऐसे ही आ सकता है कि जो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, जिसके साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसको थोड़ा सा आपको अप हैंड देना पड़ेगा। अगर आप अप हैंड नहीं दोगे, सोसाइटी में बैलेंस आप नहीं बनाओगे, और बिल्कुल ये आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया, अभी ये कहोगे आप, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मेरी बनाई गई स्टोरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे एग्री हो सकते हो, इससे डिसएग्री हो सकते हो, आप अपना तर्क भी डाल सकते हो, आप अपनी जो स्टोरी है वो भी शेयर कर सकते हैं। बट ये मैं एक जो जनरल हमारे देश में या फिर दुनिया भर में, यार कहीं भी ले लो आप, अमेरिका इतना एजुकेटेड सोसाइटी लोग मानते हैं कि हाँ, क्या वहां पे जो वुमन्स के अधिकार हैं वो उनको मिल गए? नहीं मिले आज तक। हमारे यहाँ तो फिर भी जो लेडीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, मतलब जो बड़ी पोस्ट है हमारे यहाँ का वो अचीव कर लिया उन्होंने, वहां पे तो अमेरिका में तो ये भी नहीं हो पाया। इसका एक अलग ही रीजन है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका रीजन तो बेसिकली यही है कि जो वुमन्स हैं, जो उनके अधिकारों को जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बेसिकली हम मेल कैंडिडेट जो उनके अधिकारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उन्हीं से अपना अधिकार मांगती हैं। हम ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप हमसे अधिकार मांगोगे तो मिलने से रहा नहीं, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट होकर लड़ना पड़ेगा, जब कभी भी वुमन रिजर्वेशन की बात आती है और आपका साथ देने वाला एक आदमी रहेगा, तो फिर भगवान ही जाने कि कब तक मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैंने कहने का मतलब ये था कि जो हम मेरिट मेरिट का गुणगान करते रहते हैं, हमें एक बार ये सोचना पड़ेगा कि हमारी अपनी स्व क्लेम्ड मेरिट नहीं है, और ये वेल प्रूव्ड है, बायोलॉजिकल है, कि अगर आपके अंदर मेरिट है तो मेरिट में दो चीज मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक तो होता है आपका जींस, जींस तो ठीक है लड़की में भी वही जाएगा, हम जैसे एग्जांपल लिए हैं, सेम माँ बाप को हो तो राउंड टू राउंड सेम, थोड़ा बहुत 19-20 की बात कर लेते हैं। हाँ, एक माँ बाप के कई लड़के होते हैं, कोई पागल भी होता है, कोई होशियार भी होता है, बट चलिए उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, लड़की भी कुछ नहीं कर सकती। मगर जहां पे कुछ किया जा सकता है, मतलब आपके अंदर मेरिट आई, तो उसमें एक सराउंडिंग बड़ा रोल प्ले करता है। सराउंडिंग कौन होता है? जैसे हमारे परिवार वाले हैं, आपको क्या दिए, लड़की को क्या दिए, इस सोसाइटी है, सोसाइटी ने आपको क्या दिया, लड़की को क्या दिया, आप जहां गए वहां पे लड़की को कितना अधिकार मिला, आपको कितना मिला, और आपके मेरिट में जो कंट्रीब्यूशन बाकी लोग कर रहे हैं, क्या वही लड़की के अंदर मेरिट डेवलप करने के लिए किया जा रहा है? तो ये सारी चीजें भी हमको सोचना पड़ेगा जब हम इस पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि नहीं, लड़कियों को रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए, अगर सिलेक्शन होना ही है, अगर उनको इक्वलिटी चाहिए, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारे इतना मार्क्स लाके आए, हमारे इतना मार्क्स लें फिर सिलेक्शन लें, चलिए। तो खैर, यहाँ पे मेरा ओपिनियन आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो चीजें आपके साथ डिलीवर करना चाहता था वो आप तक शायद पहुंच भी गई होगी। हाँ, हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है आपका ओपिनियन पहले से रहे, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप मेरिट की बात करें तो जरूर सोचें, अपने पीछे मुड़ के अपने घर परिवार के बारे में सोचें। अक्सर क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि ये मैटर हमारे परिवार का, सपोज करिए कि आपकी बहन है, आपकी बीबी है, आपकी बेटी है, और उसको रिजर्वेशन से सीट मिली है, तो उस समय आप क्या दुखी होगे या सेलिब्रेशन करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। और आप सोच के देखिएगा, मैक्सिमम यही होगा कि आप सेलिब्रेट करोगे, भले किसी लड़के की सीट आपके बच्ची को मिली है, बट उस टाइम पे मैटर आपके बच्ची का है, आपके बहन का है, आपके बेबी का है, तो उस टाइम आप सेलिब्रेट करोगे। बट यही चीज जब समाज के लेवल पे आती है तो हम उसका अपोज करते हैं। चलिए, एक तो रहा एक पॉइंट। अब हमने स्टार्टिंग में आपको निकुल जी का कमेंट दिखाया था, उस पर भी बात कर लेते हैं। निकुल जी का कहना है कि क्या कोई लड़की, जैसे कोई लड़का है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो भी है, अगर उससे मतलब उसकी शादी किसी ऐसे लड़की से हो रही है जो जॉब नहीं कर रही, तो लड़का शायद ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और जनरली है ऐसा, बिल्कुल गलत उनकी कहने की बात नहीं है। वहीं पे जब ये मैटर लड़कियों पे आता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही या प्राइवेट जॉब कर रही लड़की है और किसी ऐसे लड़के से शादी करना हो उसको कि जो कि जॉब नहीं कर रहा है, बेरोजगार है बेचारा, तो क्या वो लड़की शादी करेगी? तो यहाँ पे जो जवाब होगा 99% तो यही होगा कि वो नहीं करेगी,
बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे वो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन हो चाहे उसके फैमिली का डिसीजन हो। बट इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, आप ये जान लो कि इसमें 97 से 98% जो डिसीजन होता है वो लड़कियों का नहीं होता है कि वो किससे शादी करेंगी। जनरली जो डिसीजन होता है वो फैमिली का होता है, मतलब हमारा होता है, आपका होता है। जैसे आपकी बहन है तो आप क्या चाहोगे इस बात को कि आपकी जो बहन है वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जिसके पास रोजगार नहीं हो। चाहे आप किसी लड़की के बाप हो, चाहे मैं किसी लड़की का बाप हूं, चाहे मैं किसी लड़की का भाई हूं, तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बहन या मेरी बेटी ऐसे किसी लड़के से शादी करे जिसके पास जॉब नहीं हो। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि यहां भी उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता है। इस डिसीजन में भी मेरे जैसे आप जैसे मेल जो कंट्रीब्यूटर हैं वो होते हैं, वही उनके ऊपर ये डिसीजन देते हैं कि तुम्हें ये करना है। हाँ, ये बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर मान लीजिए उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, केवल उसी का डिसीजन है, तो क्या वो कर लेगी? शायद नहीं करेगी, चांसेज हैं कि नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कोई अफेयर अफेयर नहीं है पहले से तो नहीं करेगी, मतलब चांसेज क्या, श्योरिटी ही मान लो आप। और कई बार ऐसा भी न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए, एक बार मैं पढ़ रहा था कि एक लड़की की बारात गई, मतलब एक लड़के की बारात आई, लड़की ने दूल्हे को देखा, दूल्हा पसंद नहीं आया और लड़की ने बारात को वापस कर दिया। पेपर में दूसरे दिन क्या छपा कि ये है हमारे देश का असली वुमन एम्पावरमेंट, आजकल लड़कियां भी मना कर रही हैं। अब इसी का उल्टा हो जाता, सोचिए कि अगर मान लीजिए लड़का मना कर दे लड़की को देख के बारात के टाइम पे, लड़की को देखा और बोला कि नहीं भाई मैं तो शादी नहीं करूंगा, नहीं पसंद है, तो लड़कियों को कितना गालियां पड़ती। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कहीं पे कोई चीजें प्योर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हैं। हाँ, ये देखना पड़ता है हमको कि क्या चीजें क्या ज्यादा सही है और क्या उससे कम सही है, मतलब सही बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस टाइप की चीजें हो रही हैं, बिल्कुल कई सारे जगह पे वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे पार्शियलिटी होती है, कई सारे जो राइट्स दिए गए हैं वुमन्स को उसको लेके मेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस को अगर जनरलाइज करके देखेंगे तो शायद चीजों को हम न्यूट्रलिटी के साथ नहीं देख पाएंगे, फिर तो वो हमारे साथ जो हुआ है उसी को जनरलाइज कर देंगे और चीजें सही नहीं होंगी, मतलब वो जनरल केस नहीं है, वो एक दो एक्सेप्शनल केस होती है और हमेशा चलती रहेंगी। जब तक हम हैं, आप हैं, हमारी सोच है, जब तक इंसान है, तब तक तो हर चीजें सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान ने सब कुछ खराब किया है और हम रहेंगे चीजों को सही होने नहीं देंगे, तो उतना एक्सप्लॉयटेशन उतना रॉन्ग और राइट चलता रहेगा। बट हमें ये देखना है कि ज्यादा गलत कौन सा है और ज्यादा सही कौन सा है। तो आप लोग ओपिनियन पूछ रहे थे और वीडियो भी काफी बड़ी हो गई, तो ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और वो डिस्क्रिमिनेशन हमने और आपने किया है, और जो मेरिट की हम लोग बात करते हैं वो वहीं की डिस्क्रिमिनेशन से आई है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।